सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद बढ़िया होंगे और आपका गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस फाइनली यार हमारे गेम के अंदर एक बार फिर से आ चुका है ग्रोजा का इनक्यूबेटर, जो कि यार आज से ठीक 7 महीने पहले हमारे गेम के अंदर आया था। और गाइस आज फिर से ये वाला गन स्किन मतलब ये वाला इनक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर रिटर्न में आ चुका है। सो गाइस मुझे पता कि यार काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे ग्रोजा के इनक्यूबेटर के अंदर स्पिन करेंगे और गाइस यहाँ से कोई एक अच्छा गन स्किन निकालने का ट्राई करेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि गाइस यहाँ पे इन चारों गन स्किन में से एक अच्छा गन स्किन कौन सा है, एक ऐसा गन स्किन जो कि यार मतलब कम डायमंड में आप लोग को लगे और गैस उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। मतलब कि यार इन चारों गन स्किन में से एक वैल्यू फॉर मनी गन स्किन कौन सा है। सो गैस चलो आज के वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को यहाँ पे बताता हूँ कि गैस अगर तुम लोग इन चारों गन स्किन में से किसी भी एक गन स्किन को लेने जाते हो तो तुम लोग के लिए कौन सा गन स्किन एकदम परफेक्ट गन स्किन रहेगा, कौन सा गन स्किन तुम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गन स्किन रहेगा। सो गैस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखना। और गैस अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो गैस आप लोग मेरे चैनल को एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के हर एक न्यू गन स्किन का, हर एक पुराने गन स्किन के साथ कॉम्पेरिजन वीडियो लेके आते रहता हूँ। और गैस मैंने बहुत दिन पहले ग्रोजा के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को जाके अगर चाहो तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। सो गैस चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गैस यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा इनक्यूबेटर के यहाँ पे सबसे मतलब नंबर 4 के गन स्किन के बारे में, सबसे लास्ट के गन स्किन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहा टॉप 4 का गन स्किन, जिसके अंदर आप लोग को डबल एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाता है। रेंज भी आप लोग को यहाँ पे सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन गैस यहाँ पे आप लोग को रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाएगा। सो गैस देखो अगर मैं बात करता हूँ ये वाला गन स्किन कैसा गन स्किन है, तो गैस ये वाला गन स्किन एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गन स्किन है। इसके अंदर आप लोग को काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाएगा और रेंज भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा यार देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस मान लो अगर सामने वाला बंदा एकदम बहुत ज़्यादा सुपर लॉन्ग रेंज में है तो गैस वहाँ पे भी अगर तुम लोग सामने वाले बंदे को ऊपर डैमेज देते हो तो गैस उसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज पड़ेगा। रेंज सिंगल प्लस होने के कारण जो डैमेज कम हो जाता है वो डैमेज कम नहीं होगा। और गैस यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छा होने के कारण एनिमी अगर थोड़ा रनिंग में भी है तब पर भी गैस यहाँ पे आप लोग का एम उसके ऊपर बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। और गैस अगर मैं बात करता हूँ इसके रिलोड स्पीड सिंगल माइनस होने का, तो गैस मेरे ख्याल से यार एक लॉन्ग रेंज वाले गन स्किन के अंदर अगर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस भी है तो उससे आप लोग गेम के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और गैस अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ टॉप 3 के गन स्किन के बारे में, तो गैस देखो ये वाला गन स्किन टॉप 3 पे तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको लेने के लिए तुम लोग को यहाँ पे 2 ब्लूप्रिंट लगेंगे और गैस 4 स्टोन लगेंगे। और गैस अगर इसकी एबिलिटी की बात करूँ तो देख सकते हो इसके अंदर डबल आर्मर पेनिट्रेशन है, एक्यूरेसी भी सिंगल प्लस है और गैस यहाँ पे मैगजीन सिंगल माइनस है। सो गैस देखो अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला गन स्किन कैसा गन स्किन है, देखो यार ये वाला गन स्किन मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठीक ठाक गन स्किन लग रहा है, क्योंकि गैस इसके अंदर आप लोग को डबल आर्मर पेनिट्रेशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप लोग मान लो आप लोग को एक तरह से इसके अंदर आप लोग को डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा। आर्मर वाला डैमेज आप लोग वेस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा इस गन स्किन से डैमेज दे सकते हो। मान लो अगर सामने वाले ने लेवल 2 का वेस्ट पहना हुआ है तो गैस वहाँ पे तुम लोग इस गन स्किन से उसके ऊपर 25 का डैमेज दे सकते हो। सामने वाले बंदे ने अगर लेवल 3 का डैमेज पहना हुआ है तो गैस वहाँ पे तुम लोग इस गन स्किन से उसके ऊपर 21 का डैमेज दे सकते हो। और गैस उसने अगर लेवल 4 का वेस्ट पहना हुआ है तो गैस वहाँ पे तुम लोग इस गन स्किन से उसके ऊपर 20 का डैमेज दे सकते हो। तो गैस इस गन स्किन के अंदर तुम लोग को आर्मर पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। इस गन स्किन से तुम लोग सामने वाले बंदे के वेस्ट को बहुत ईजिली तोड़ पाओगे और गैस एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। वैसे तो यार ग्रोजा के अंदर पहले से ही एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया जाता है, लेकिन गैस इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा और अच्छा एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। तो गैस ये वाला गन स्किन मेरे को जो मतलब लेवल 3 पे आता है और गैस इसको लेने के लिए आप लोग को 2 ब्लूप्रिंट लगते हैं और गैस 4 स्टोन लगते हैं। तो गैस ये वाला गन स्किन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी गन स्किन रहेगा। इसके अंदर आप लोग काफ़ी अच्छा आर्मर पेनिट्रेशन पे डैमेज देखने के लिए मिलेगा और गैस एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और गैस अब आता है हमारा नेक्स्ट गन स्किन, जो कि तुम लोग को इनक्यूबेटर के टॉप 2 पे देखने के लिए मिल जाएगा। और गैस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे गरीना वालों ने क्या सोच के इस गन स्किन को टॉप 2 पे रखा। इस गन स्किन को भाई टॉप 4 पे रखना चाहिए था, सच में बोल रहा हूँ। इसके अंदर सिंगल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, डबल रेंज प्लस देखने के लिए मिलता है, रिलोड स्पीड सिंगल माइनस देखने के लिए मिलता है, जबकि यार गेम के अंदर पहले से एक फ्री वाला गन स्किन है जिसके अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर रेंज डबल प्लस होने के कारण एकदम मतलब बहुत अच्छा गन स्किन हो गया, सो गैस मैं यहाँ पे ग्रोजा के रेंज को बहुत बार चेक कर चुका हूँ और तुम लोग को बता भी चुका हूँ कि गैस यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज वाले गन स्किन के अंदर रेंज जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली में दिया नहीं जाता है। तुम लोग एक नॉर्मल ग्रोजा भी यूज़ करोगे तो गैस उसके अंदर तुम लोग को उतना ही रेंज देखने के लिए मिलेगा जितना कि तुम लोग को यहाँ पे इस डबल रेंज वाले के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो गैस ये वाला गन स्किन मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा लेने के लिए। इसके अलावा तुम लोग टॉप 3 का गन स्किन ले सकते हो। तो गैस फाइनली अब बात करते हैं हमारे टॉप 1 के गन स्किन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा इनक्यूबेटर का सबसे टॉप का गन स्किन जिसके अंदर तुम लोग को डबल डैमेज ऊपर से आर्मर पेनिट्रेशन भी सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाता है और गैस यहाँ पे मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि गैस यहाँ पे इन चारों गन स्किन में से टॉप का गन स्किन सबसे ज़्यादा बेस्ट गन स्किन है, क्योंकि गैस अगर तुम लोग इसको लेने जाओगे तो भाई तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा डायमंड लगाने पड़ेंगे और गैस इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज दिया जाता है, यानी कि सामने वाले बंदे के ऊपर काफ़ी तगड़ा डैमेज दे सकते हो। अगर मैं ग्रोजा के एक नॉर्मल गन का बात करता हूँ तो गाइस ग्रोजा का एक नॉर्मल गन सामने वाले बंदे के ऊपर नॉर्मल डैमेज 37 करके देता है, तो गैस ये वाला गन स्किन सामने वाले बंदे के ऊपर आराम से 40 करके डैमेज दे देगा। और गैस इसके अंदर सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन होने के कारण तुम लोग वेस्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे डैमेज दे सकते हो। तो गैस देखो फाइनली मैं अगर बात करूँ कि भाई यहाँ पे अगर तुम लोग इन चारों गन स्किन में से किसी भी एक गन स्किन को लेने जाते हो तो तुम लोग को कौन सा गन स्किन लेना चाहिए, तो गैस देखो अगर तुम लोग के पास अच्छा खासा डायमंड है तो गैस तुम लोग यहाँ पे टॉप 1 का गन स्किन ले सकते हो। ग्रोजा का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गन स्किन है ये वाला गन स्किन। और गैस अगर तुम लोग के पास काफ़ी कम डायमंड है और गैस तब पर भी तुम लोग एक अच्छा गन स्किन लेना चाहते हो तो गैस वहाँ पर तुम लोग को टॉप 3 का गन स्किन लेना चाहिए, क्योंकि गैस यहाँ पे टॉप 3 का गन स्किन तुम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और गैस एक और मैं बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ कि गैस यहाँ पे इन सारे गन स्किन से बहुत ज़्यादा अच्छा गन स्किन है ग्रोजा का विंटरलैंड गन स्किन, जो कि यार बहुत दिन पहले फ्री में मिला था। अगर तुम लोग के पास ये वाला गन स्किन है तो गैस मैं तुम लोग को बोलूँगा कि भाई यहाँ पे इसके अंदर स्पिन करके अपना डायमंड बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। विंटरलैंड वाला गन स्किन भाई कतई ज़्यादा तबाही चलता है, जो बंदे यूज़ करते हैं उनको पता है और गैस जो बंदे नहीं यूज़ करते हैं उनको शायद से नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि यार इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया लग गया होगा कि यार तुम लोग यहाँ पे इनक्यूबेटर के चारों गन स्किन में से कौन कौन से गन स्किन लेने चाहिए और क्या तुम लोग को गन स्किन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गैस आई होप कि वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो आप लोग मेरे चैनल को भी। तो गैस चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए बाय।